हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव लाइफ विद वंदना। फ्रेंड्स, आज मैं जो आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं एक वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ करने वाली हूँ। इस तरह के वेस्ट मटेरियल हम सबके घरों में मिल जाते हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस DIY को बनाने के लिए मैं इस तरह का एक लंच बॉक्स ली हूँ, जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ा था। तो सबसे पहले मैं इसमें जेसो अप्लाई कर लूँगी। तो को पूरे में अप्लाई करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम इसके लिए कोन बना लेंगे। क्योंकि आज मैं इस पर लिपन वर्क करने वाली हूँ, तो मैं सबसे पहले 2 चम्मच POP पाउडर ले रही हूँ, और उसमें मैं 2 चम्मच फेविकॉल ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच वाइट पेंट का यूज़ करूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर इन तीनों चीज़ की क्वांटिटी सेम रखी हूँ। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका कोन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से मैं इसमें पेंट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पेस्ट को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लिए कोन बना लेंगे। तो कोन बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की प्लास्टिक शीट ली हूँ। हमें इसका कोन मेहंदी की कोन की तरह बनाना है, तो इस तरह से इसे मोड़ते हुए हम इसमें सेलो टेप लगा लेंगे। टेप को स्टिक करने के बाद मैं इसमें हमारा पेस्ट जो हमने बना कर रखा है उसे इसमें फिल कर लेंगे। POP पेस्ट को फिल करने के बाद हम इसे इस तरह से टाइटली रबर लगाकर टाइट कर लेंगे। आप यहाँ पर POP की जगह वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा कोन बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर लाइनिंग ड्रॉ कर ली हूँ। उसके बाद हम इस कोन की हेल्प से इसमें जो भी डिज़ाइन बनाना है उस डिज़ाइन को इसमें बना लेंगे। इस तरह से डिटेलिंग को कंप्लीट करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसे पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसे स्पंज की हेल्प से पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी पेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पेंट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें मिरर स्टिक करूँगी। तो मिरर स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें मिरर स्टिक कर लूँगी।
पूरे में मिरर स्टिक करने के बाद मैं इसके ऊपर और नीचे बॉर्डर में इस तरह की लेस स्टिक कर रही हूँ। तो लेस को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से लेस स्टिक करने के बाद बाकी डिटेलिंग के लिए मैं इस तरह से कलरफुल कोन का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से बाकी डिटेलिंग कर लूँगी। उसके बाद डिटेलिंग कंप्लीट होने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इस पर एक कोट वार्निश ज़रूर कर लें। इससे क्या होता है कि इसकी कलर लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये DIY बनकर तैयार हो गया है। आप इसे एज ए फ्लावर वॉश या प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।